तो भाई आज का स्पेशल गेम प्ले है दी अंडरटेकर, यानी कि अंडरटेकर का गेम प्ले होगा। मतलब जितने ही सारे अंडरटेकर मैंने, यार जितने मुझे मिले मैंने सब डाउनलोड कर लिया अंडरटेकर को, और मेरे पास लगता है कि 8 या 10 अंडरटेकर के रूप हैं यार। तो इसलिए सब अंडरटेकर का लास्ट में फाइट करेंगे, पर आज मैं क्या करूँगा कि अंडरटेकर ले लेके खेलते जाऊँगा मैचेस। तो चलिए पहला मैच खेलेंगे एलिमिनेशन चेम्बर, जिसमें भाई बहुत सारा मैंने नया नया प्लेयर भी डाउनलोड कर लिया। जैसे आप देख सकते हो जायंट गोंजालेस से मेरे पास खली भी है। तो भाई पहला मैच से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते जाएंगे धीरे धीरे, प्रोग्रेस जैसे जैसे होगा। तो आज भाई एलिमिनेशन चेम्बर अंडरटेकर से खेलेंगे, फिर रॉयल रंबल भी अंडरटेकर ही से खेलेंगे। तो भाई जितने भी मैचेस होंगे आगे सब अंडरटेकर के साथ ही खेलना है, तो ये सही है यार। और चलिए आप लोग आ जाइए, कंटिन्यू करते हैं फिर मैच को। मज़ा आने वाला है भाई, आज अंडरटेकर ही अंडरटेकर होंगे। और लास्ट में यार सारे अंडरटेकर के जितना भी कैरेक्टर था, मतलब अब सब तो नहीं है मेरे पास ऑब्वियसली, और 8 ही मैन मैक्सिमम इसमें 8 आदमी लोग का मैच एक साथ लगा सकते हैं, तो यानी कि 8 अंडरटेकर लोग का मैच लगाएंगे, और जो भी भाई जीता, तो चलिए समझ जाइएगा कि वो बेस्ट अंडरटेकर का रूप था। जैसे कल कौन जीता था यार, कल कौन जीता था यार, स्पियर बैटल में बटिस्टा जीते थे। हाँ भाई, रोमन रिक्स को एलिमिनेट करके बटिस्टा जीत गए थे। तो चलिए सही है यार, पहला मैच शुरू करेंगे बस 1 मिनट के अंदर। भाई लोग, तो जो लोग भी लेट से आ रहे हैं उन्हें बता देता हूँ कि भाई आज है 2K20 में अंडरटेकर स्पेशल, यानी कि अंडरटेकर के सारे मैचेस होने वाले हैं, सिर्फ अंडरटेकर चैलेंजर नहीं भाई, वो लास्ट मैच जब सारे अंडरटेकर का होगा वो लास्ट में होगा, पर फिलहाल अभी मैं सिर्फ अंडरटेकर से खेलते जाऊँगा। अभी आप देख सकते हो कि एकदम पुराने वाले अंडरटेकर है भाई, तो आप देख रहे हो कि टोपी और ये सब सब डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस भी है, बैडस अंडरटेकर भी है, जो 2020 में आए थे वो अंडरटेकर भी हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं मैच। पहला तो एलिमिनेशन चेम्बर, भाई जायंट गोंजालेस भी है, खली भी है, गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमन, भाई पूरा जायंट लोग से भरा हुआ है मैच। मैं यार ये देना भूल गया था, चलिए पिन ऑन रखते हैं सिर्फ, वरना यार ये लोग सबमिट तुरंत करवा देते हैं। चलो मैच शुरू कर रहे हैं, 3 3 फिनिशर सबको दे दिया भाई, और 1 नंबर पे आने वाला हूँ मैं। खली भी हैं, जायंट गोंजालेस भी हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, यार अपोनेंट लोग इतने डेंजर डेंजर क्यों हैं, मुझे तो इनका फिनिशर भी नहीं पता भाई, मैं पहली बार आपके सामने ही ट्राई करने वाला हूँ, तो इसलिए देखते हैं क्या होता है। मैं आज सिर्फ अंडरटेकर लेके खेलने वाला हूँ भाई, क्योंकि वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा दी अंडरटेकर स्पेशल, तो भाई अंडरटेकर का अलग अलग रूप लूंगा और खेलूंगा। ये देखो भाई एकदम जवान अंडरटेकर है भाई, दाढ़ी तक सही से नहीं निकली अंडरटेकर की। भाई मुझे देखना है कि इनका फिनिशर क्या, चॉक स्लैम होगा, अच्छा टूम स्टोन ही है, पर थोड़ा दूसरा टाइप का टूम स्टोन होगा। ये देखो, देखा भाई थोड़ा साइड में पैर लगा के टूम स्टोन देते थे ये वाले अंडरटेकर। अरे पिन कर रेफरी, 1 2 किक आउट कर दिया गोल्डबर्ग ने। अभी तो शुरू ही हुआ है भाई, अभी शुरू ही हुआ है, मनहूस रेफरी। हाँ भाई सही कहा, रेफरी को तो 1 लात बनता है भाई। आज खतरनाक मजा आने वाला है, अंडरटेकर अंडरटेकर ही, सिर्फ अंडरटेकर का राज होगा आज, आज अंडरटेकर का राज। आह गोल्डबर्ग के पास भी 3 3 फिनिशर है, ठीक है भाई। अंडरटेकर के जितने रंग थे उतने ही रूप थे भाई, बहुत सारे अंडरटेकर ने कैरेक्टर चेंज किया है, और हर कैरेक्टर एक पर एक है। तो यार आप लोग बताओ कि आपका सबसे फेवरेट वाला अंडरटेकर कौन था, बैडेस, मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, या ये वाले अंडरटेकर, या फिर डेड मैन जो कि अभी उनका इससे पहले था, एजी स्टाइल से आने से पहले जो परसोना था, कौन सा आपका फेवरेट है बताओ। गुड़बक के पास यार फिनिशर है, इसका टेंशन हो रहा है मुझे, ये क्या किया, अच्छा पटक दिया गोल्डबर्ग ने, अच्छा मैं स्टाइल मार रहा था, अब गोल्डबर्ग स्टाइल मार रहे हैं, सही है यार इनका। भाई लास्ट मैच मुझे देखना है कि कौन सा अंडरटेकर जीतेगा। ये ले भाई देखो इनका सिग्नेचर क्या दिया है। हाँ भाई ये वाला सिग्नेचर मुझे बहुत पसंद था, डेडमैन का सिग्नेचर ये नहीं था, सिग्नेचर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ओल्ड स्कूल। तो भाई रोप पे अंडरटेकर क्या बैलेंस करते हैं भाई अपने आप को। आ जाओ भाई, किसकी बारी है, खली, ब्रॉन स्ट्रोमन, जायंट गोंजालेस, ब्रॉक लेसनर, भाई सभी जायंट हैं एक तरह से। कौन आ रहा है इस बार, जायंट गोंजालेस,
एक तो ये बॉडी सूट पहन के आए यार, खतरनाक ही दिख रहे हैं। मार गोल्डबर्ग। अरे भाई मुझे नहीं मारे यार, पूरी बात तो सुन लिया कर। हाँ ये रहा, ये हुआ ना बात। आ जा भैया, ऐसा है तो खाइए टूमस्टोन। भाई ये पुराने वाले अंडरटेकर ऐसी टूमस्टोन देते थे। भाई आपको ना जो लोग भी पूछ रहे हैं उन्हें बता दो भाई, मैं अंडरटेकर ही आज लेके सिर्फ खेलने वाला हूँ। भार्गव भाई थैंक यू सुपर चैट करने के लिए। अरे भाई ये इतना भारी भरकम आदमी कूद गया। अरे कुछ नहीं हुआ इनको यार, डर लग गया मुझे। मैं भाग रहा हूँ यार, ये तो अंडरटेकर से भी लंबे है। जाइंट गोंजालेस नाम है भाई इनका। अरे डरता हूँ क्या तेरे से, आ जा आ जा आ जा भाई। बस पॉड तोड़ने का ऑप्शन इनको भी दिया हो, नहीं देगा ना मूड खराब हो जाएगा मेरा। वरना एलिमिनेशन चेम्बर में यार पॉड तोड़ने का, क्योंकि डाउनलोडेड प्लेयर है ना भाई, तो इसलिए कंफर्म नहीं है पॉड तोड़ने का ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया होगा ना यार, मुंह बन जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। देना चाहिए अंडरटेकर को, जिसने ही बनाया होगा उसे देना चाहिए भाई। देख लेते हैं अभी, पता चल जाएगा। अरे गोल्डबर्ग यार एनर्जी ज्यादा नहीं बची है, बिल गोल्डबर्ग हार सकते हैं पता है। लीजिए फिर से टूमस्टोन भाई, अब लगता है गोल्डबर्ग का पिन हो जाएगा। सबको ढेर सारा प्यार यार, लॉकडाउन में आप लोग का भी टाइम पास हो रहा है सही। पिन कर, 1 2। अरे यार गोल्डबर्ग हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तीन तीन टूमस्टोन ले दिया भाई, ये क्या कर रहा है। खली आ गए, ठीक है खली और अंडरटेकर की तो दुश्मनी आपको पता ही होगी भाई। अरे ये तो बच गए भाई, ये खतरनाक वाले खली दिख रहे हैं, ब्लैक पैंट वाले खली यार। स्टार्टिंग में जब आए थे ना तो वो ब्लैक पैंट वाले थे, तो यार उस टाइम बहुत ही डेंजरस हुआ करते थे खली, और आते के साथ उन्होंने अंडरटेकर ही पे अटैक किया था यार। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था उस टाइम, तब यार खली को देखने के लिए दीवाना हो गया था मैं। पता चला था भाई इंडिया से कोई गया है WWE में, भाई खली का बहुत ज़्यादा उस टाइम ये हुआ था, चर्चा में बहुत ज़्यादा थे खली, क्योंकि भाई आते के साथ सबसे पहले अंडरटेकर पे अटैक करने वाला कोई भाई डेंजरस ही होगा। ये देखो जाइंट गोंजालेस क्या कर रहा है। लो भाई खली को टूमस्टोन, गोल्डबर्ग एलिमिनेट हो गए, खली का पिन कर। अरे ये देखो मनहूस है ये टकला रेफरी। 2, खली बच गया भाई। जाइंट गोंजालेस को लड़ने दो खली से। चलो भाई जब सब रिंग में जा रहे तो मैं भी रिंग ही में चलता हूँ। ये लीजिए भाई, आज सारे मैच अंडरटेकर को जिताने हैं, पर एक आध हार गया तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करूंगा कि सारे मैच आज अंडरटेकर ही जीते। जीते चाहे हारे वो तो बात की बात है भाई, पर सारे मैचेस में आज अंडरटेकर ही लूंगा, और वो भी अलग अलग अंडरटेकर, एक ही जैसे अंडरटेकर नहीं। ये ले भाई बॉडी सूट पहन के आता है जाइंट गोंजालेस। ये ले भाई खली ने दे दिया। अरे खली से भी लंबे हैं यार ये जाइंट गोंजालेस, पता नहीं अब कौन आएगा। ये लीजिए आ जा जाइंट गोंजालेस। अरे बाप रे ब्रॉक लेसनर भी आ गए यार, आ जा भाई। ये तो भाई मेरा अंडरटेकर का फेवरेट शॉट है पता है, एक ये और एक वो जो फ्लाइंग डाइव कूदते हैं ना अंडरटेकर रिंग के बाहर, क्या तो नाम है यार। ये ले ओल्ड स्कूल भाई, खली ने डोमिनेट कर दिया लेसनर को आते के साथ। अरे भाई इन्होंने टूमस्टोन बचा लिया यार, इसको इनको टूमस्टोन देता ना तो एक अलग ही मजा आता। जाइंट गोंजालेस यार इतना लंबा चौड़ा आदमी को टूम, अरे भाई दोनों को मार दिया, बाप रे तीनों गिरे में। ये देखो अब तो स्टाइल मारना बनता है सबकी लाश के ऊपर, अंडरटेकर का स्टाइल। ओ सब खड़ा हो रहा है, अब पिटूंगा मैं। कौन मार रहा है पहले, ये लो ब्रॉक लेसनर मेरी तरफ मत आइएगा यार। अरे भाई बस आपको तो बस F5 देना है और जीत जाना है, ऐसे थोड़ी होता है। लेसनर के पास तीन तीन F5 है,
लेसनर से थोड़ा बची के भाई। बचा लिया यार, जाइंट ने बचा लिया गलती से। सही, भले ही मुझे मार रहा था इसलिए बच गया मैं, पर F5 पड़ जाता अभी। अब देखो ये क्या मार रहा है। अरे बहुत मार लिया यार, ऐसे थोड़ी होता है भाई। एक नंबर पे आके जीतना थोड़ा मुश्किल है। आ जा जाइंट गोंजालेस भाई, इनको टूमस्टोन देते हुए देखना है। हाँ भाई ले, दे दिया इनको भी टूमस्टोन। अरे टकले, गिन 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 गिन, ब्रॉन्ज स्टोमन भी आने ही वाला है। 1 2, अरे बच गया भाई। ये ब्रॉक लेसनर मेरे तरफ है ना। अरे ब्रॉक लेसनर यार, तेरे को क्या दुश्मनी है मेरे से। ये लीजिए, मार खाली स्ट्रोमन को मार। चलो ये दोनों को लंबू लंबू लोग को आपस में लड़ने दो भाई, मैं इनसे लड़ता हूँ। स्ट्रोमन को मारता हूँ भाई, स्टाइल मारता है। ये ले भाई, एनर्जी बहुत कम है यार। और खली सॉरी खली बोल रहा हूँ, क्या नाम है, ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉक लेसनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। इन दोनों का इंतज़ाम करना होगा। अरे ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रॉक लेसनर भाई तेरा साथ दे रहा था यार। ब्रॉक लेसनर तो उल्टा मुझे ही मारने लगे। अरे दोनों जाइंट लोग मिल गए आपस में। ओह ये बात, जवान अंडरटेकर की कोई इज्जत है कि नहीं है भाई। जवानी वाले अंडरटेकर को इतना मारा जा रहा है। अरे भाई ये क्या कर रहे ब्रॉक लेसनर, पॉड मत तोड़ना मेरे ऊपर। बच गया यार, पॉड टूट सक। अरे ये दोनों एक क्यों हो गए। ले भाई अभी मेरे ऊपर ना पॉड टूट सकता है पता है। बच गया बच गया, मेरी तरफ टारगेट अगर किसी ने भी किया ना। बच गया, चल भाई रिंग के अंदर ही जाना ज़्यादा सेफ है, एक तो एनर्जी भी नहीं है। पॉट तोड़ूंगा भाई, रुक जा, पॉट भी तोड़ूंगा। ले मारे जा रहा था तब से लेसनर, दबा दबा के मारा है लेसनर ने मुझे। लो जाइंट गोंजालेस गए, अब खली अपनी दुश्मनी निभाने आएंगे। लो भाई आ गए, खली आ गए। ये लो खली मुझे एलिमिनेट बस ना करे। अरे यार दो दो फिनिशर है खली के पास, पता नहीं खली का फिनिशर क्या है। जो भी है ये लीजिए, चलो सही है यार, बच गया खली। फिर ये क्या कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर। ओ भाई OMG दे रहा है लेसनर, रिंग मत तोड़ देना भाई, एलिमिनेशन चेंबर में तोड़ देगा क्या। सुपर प्लेक्स दे दिया यार, ब्रॉन स्ट्रोमन की एनर्जी खत्म हुई भाई। ये कौन आदमी है ब्रॉन स्ट्रोमन, आ जाइए खली भाई आइए। हाँ चलो खली को ओल्ड स्कूल देना है भाई, लड़ने दो इन दोनों को। ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉक लेसनर अच्छा ही यार आपस में लड़ रहे हैं, ताकि इन दोनों की एनर्जी खत्म होगी, मुझे ही फायदा है। मार भाई, खली एलिमिनेट हो सकते हैं अभी पता है, एक टूमस्टोन और खली का काम हो जाएगा। पर अगर रिवर्स कर दिया ना, चौक स्लैम, चौक स्लैम बहुत देर से नहीं दिया था। ये लीजिए खली एलिमिनेट हो सकते हैं अभी। पिन कर रेफरी, पिन कर मनहूस, पिन कर। 1 2, चलो खली गए भाई। अब तीन लोग बच गए हैं, ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन स्ट्रोमन और अंडरटेकर। साइड में खड़ा रहता हूँ, ब्रॉक लेसनर को ले जाने दो सुप्लेक्स सिटी भाई। आइए भाई, ब्रॉक लेसनर के पास दो दो फिनिशर है और ब्रॉन स्ट्रोमन के पास तीन, कैसे जीतूंगा यार इन दोनों से। अरे एक तो एनर्जी भी नहीं है मेरे पास। टू एनर्जी तब जब नहीं ना रहती भाई, तब टेंशन होता है मुझे। भाई इन दोनों को मारना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा है, प्लस फिनिशर भी है दोनों के पास।
भाई दोनों से लड़ गया हूं मैं, बेवकूफी है या चालाकी है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। अरे यार रॉक बच गया, सही है, लड़ो भाई आपस में। एक फिनिशर नहीं मेरे पास, एक भी फिनिशर होता ना तो एक आदमी को एलिमिनेट कर देता भाई। हेल्स गेट पुराने वाले नए वाले अंडरटेकर पास नहीं था, उस टाइम अंडरटेकर थोड़ी देते थे। आजा ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन स्ट्रोमन यार, ये ले सही पड़ा मुंह में। आजा भाई लेसनर, एक मुंडी से मारा है लेसनर ने। ब्रॉन स्ट्रोमन से थोड़ा सा बच के, रेखा थैंक यू सुपर चैट करने के लिए। अरे यार ये ब्रॉन स्ट्रोमन, हाँ ये भी मेरा ही दुश्मन बना हुआ है यार, एनर्जी नहीं है मेरे पास, वरना कब का इसका कांड कर चुका होता पता है। ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमन को संभालना दोनों को बहुत मुश्किल है फिलहाल। ब्रॉक लेसनर यार हरा ही की चैन लेगा क्या, छोड़ दे। आजा भाई बचा लिया यार इसने, दोनों मेरी तरफ हैं भाई, दोनों मेरी तरफ हैं। चलो मार ब्रॉन, अरे थोड़ा मदद करना, हाँ चलो ठीक है, आपस में लड़ने तो भाई दोनों को, जो एक बच जाएगा उसे मैं हरा दूंगा। पिन कर ब्रॉन स्ट्रोमन, 1 2। अरे बच गया यार लेसनर, तो पता नहीं एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा, रुको अभी बताता हूँ ब्रॉक लेसनर को। पिन कर 1 2। लो भाई बस अब दो लोग बचे हैं, अंडरटेकर ब्रॉन स्ट्रोमन और मैं, और भाई अभी पता चल जाएगा। पॉट आप लोग कर रहे थे ना, रुकिए तोड़ने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं इस अंडरटेकर के पास है कि नहीं, देख लेता हूँ। अरे यार अच्छा हाँ बच गया यार, ये रिंग के अंदर कैसे चला गया मैं। रेखा थैंक यू सुपर चैट करने के लिए, आजा स्ट्रोमन आजा, जा भाई बचा लिए इसने, खींच के मारा है भाई सर पे मेरे यार। ये पॉड तोड़ने चक्कर में ना मैं हमेशा हारता हूं, पर क्या करूं, बेईमान दिल है कि मानता ही नहीं बिना पॉड तोड़े भाई। चल बस ऑप्शन दिया हो, हाँ भाई दिया है, ये ले भाई। अरे यार टूम्बस्टोन नहीं देना था यार, पॉट तोड़ना था। रुक जाओ पॉट तोड़ूंगा, अभी जीत सकता था पर थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। पॉट तोड़ने को ऑप्शन दिया है ये वाले अंडरटेकर को भी, यार पॉट तोड़ना था पता है, मूड खराब हो गया, कोई बात नहीं बस पॉट तोड़ने के चक्कर में हारू नहीं यार। आइए स्ट्रोमन भाई साहब, अच्छा सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ नहीं है, सिग्नेचर छीन लिया स्ट्रोमन ने, हट स्ट्रोमन क्या आदमी है यार तू। चल भाई अच्छा ही है, अंदर ही आके सिग्नेचर दूंगा, बाहर लाके तोड़ूंगा ही, भले ही मैच हार जाऊं पर पॉट तो तोड़ के रहूंगा, क्या बोलता है रेफरी, ये ले पड़े रहे। रेफरी को भाई इसलिए गिरा दिया है ना, मन्नत भाई हेलो कैसे हो, रेफरी को इसलिए गिरा दिया है ना ताकि अगर ब्रॉन स्ट्रोमन अपना फिनिशर भी दे देना तो पिनफॉल नहीं हो पाए, थोड़ा दिमाग लगाया है क्योंकि स्ट्रोमन के पास तीन तीन फिनिशर है। आजा स्ट्रोमन, बस पॉट तोड़ने ही वाला हूँ यार, रुक जा। एलिमिनेशन चेंबर मैच हो और उसमें पॉट नहीं टूटे भाई तो काहे का एलिमिनेशन चेंबर, स्ट्रोमन गोदी में ना उठा ले। चल भाई अब चलते हैं बाहर पॉट तोड़ने के लिए। हेल्स गेट भाई इसके पास नहीं है, ये वाले अंडरटेकर के पास नहीं है भाई, देख रहे हो ये अंडरटेकर जवान वाले अंडरटेकर है, उस टाइम अंडरटेकर हेल्स गेट सबमिशन नहीं देते थे। चल भाई आ जाओ बाहर,
अभी तो शुरू हुआ यार अंडरटेकर का मैच, अभी तो जवानी से फिर बढ़ते जाएंगे अंडरटेकर, अलग अलग लेते जाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी तो शुरू ही हुआ है, पहला ही मैच है। अरे यार ये यहाँ क्यों चला गया? हाँ यार ये रिवर्स करता है ना, दिल पे मेरी छुरियाँ चल जाती हैं। आजा मेरे स्ट्रोमन भाई, पॉट तोड़ने चक्कर में हारूं नहीं, बस बाकी सब ठीक है। ये इतना रिवर्स करता है ना पॉट के टाइम पर, पॉट तोड़ने के चक्कर में मैं जाऊंगा काम से। देख रहे हो स्ट्रोमन के पास 3 फिनिशर और 1 सिग्नेचर है। चल बाहर जब मेरे भाई, और टकले अगर पिन किया ना तूने तो तेरे घर में घुस के मारूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ। आजा, अरे भाई इसने रिवर्स कर दिया, अब स्ट्रोमन को गुस्सा आया है, अब लगता है लेट डूबेगा मुझे, पॉट के चक्कर में मैं जाऊंगा आज। मुंह तोड़ दिया इसने भाई, भूताज स्टाइल में खड़ा होगा ना। चल बड़ा आया, कितना रिवर्स करेगा पागल आदमी, क्यों ऐसे कर रहा है, एक बार तोड़वा लेना यार पॉट, 2 सेकंड का काम है, छोटा सा पॉट है, तोड़वा ले। चला भाई गई ये बाहर, जा अंडरटेकर आजा, आजा स्ट्रोमन आजा भाई, आज तो पॉट तोड़ूंगा या मैच हारूंगा, दोनों में से कुछ एक जरूर होगा। चलो भाई फाइनली, अब ये तो या तो ये रिवर्स करके जीत जाएगा या मैं हार जाऊंगा, दोनों में से कुछ एक होगा। दे दिया भाई, फाइनली तोड़ ही दिया पॉट, लेके लेके अंडरटेकर बाहर लेके आओ भाई, बाहर लेके आना है, बाहर लेके आ प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, बचा लेगा पिनफॉल। लॉकडाउन हो घर में कैसे घुसोगे? हाँ भाई ये तो सही कहा, लॉकडाउन के बाद जाके मारूंगा। तंजील भाई हेलो कैसे हो, चलो पिन कर रेफरी 2। अरे ये स्ट्रोमन पागल है क्या? ओ भाई क्या खा के आया आज, बॉनविटा भी क्या आया है भाई, पॉट तोड़ दिया इसके ऊपर, ये फिर भी बच गया यार, ये कौन आदमी है भाई, 1 2 3 नहीं हुआ यार, अब मुझे डर लग रहा है इससे, ये तो सही में मॉन्स्टर निकला भाई, बचा लिया यार इसने। टूमस्टोन दो तो, आपको क्या लग रहा है भाई क्या करने वाला हूँ अभी, टूमस्टोन नहीं दूंगा, हट भागो भाई अंदर भागो, जानडेटिकर अंदर निकल ले, आ जा भाई अब तो जो गेम होगा वो अंदर ही होगा। आ जा स्ट्रोमन, पहला मैच है स्ट्रोमन, हराना मत यार, ये लगता है हराई की चैन लेगा भाई, देखा डेड मैन वाले स्टाइल में खड़ा होएगी आखिरकार। रेफरी तू गिर तो, तू रहेगा ही नहीं, तू ये पिनफॉल कैसे करवाएगा, आजा पिनफॉल करवा ले, हट हाँ ब्लड भी निकल ही गया इसका, अब आओ भाई अब देखो इसके साथ क्या करूँगा, आजा अब तो टूमस्टोन। अरे यार पर रेफरी तो गिरा हुआ है, मैं नहीं गिराया था रेफरी को, ओ भाई पिनफॉल कौन करेगा, अरे वाह वाह मनुष्य वाह, पहली बार तू काम आ रहा है, लो भाई टूमस्टोन पिन मत बचाना ब्रॉन स्ट्रोमन, लो भाई पूरे स्टाइल में पिनफॉल करवा रहा हूँ, 1 2। अरे यार ये फिर बच गया, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं भाग रहा हूँ छोड़ के भाई, एलिमिनेशन चेंबर का दरवाजा खोलो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, सच बता रहा हूँ भाई, इसने फिर किक आउट कर दिया, ए खोलो भाई दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा भी नहीं कोई खोल रहा है यार, यार ये क्या हुआ फिर से इसने किक आउट कर दिया भाई, पहला मैच हरा के रहेगा क्या तू भाई, इसको कितना मारूं मैं, देख रहे हो ना आप लोग, इतना मारा इसको, मार मार के इसका हालत खराब कर दिया है, और ये देखो पिनफॉल पे पिनफॉल छुड़ाया जा रहा है, ले भाई उतार दिए इसको गोद से भाई, इसने मार मार के हालत पंचर कर दी मेरी, सब रेफरी की वजह से हुआ इसको तो बताता हूँ, और टकले मनहूस सही से पिनफॉल नहीं करता है, इसको उठा के मारा अंडरटेकर, चौक स्लैम प्लस टूमस्टोन, अब तो भाई वही करना ही होगा भाई, चौक स्लैम भी फिनिशर ही है पता है, पड़े रह तू पिन नहीं करता है सही से, अब आ जा
ब्रॉन स्ट्रोमन यार पता नहीं आज कौन सा खाना खा के आए ब्रॉन स्ट्रोमन, जो इनका पिन ही नहीं हो रहा है, या रेफरी चीटिंग कर रहा है भाई, कुछ तो बता दो कोई, कौन कर रहा है। बचा लिया स्ट्रोमन ने, अब स्ट्रोमन अपना जलवा दिखाएगा। हट, अरे मार दे अंडरटेकर, ओ भाई लगता गया मैं। हट, क्या कर रहा है स्ट्रोमन, दौड़ाया जा रहा है, बार बार दौड़ाया जा रहा है। ये देखो भाई बहुत स्टाइल मार रहा हूं, जीत रहा नहीं हूं पर स्टाइल में कोई कमी नहीं हो रही है। अब तो ये इस जमीन पे दूंगा इसको टूमस्टोन, टूमस्टोन देखिए, चौक स्लैम, जल्दी बोलो टूमस्टोन या चौक स्लैम, जल्दी बताओ भाई, खड़ा हो रहा है स्ट्रोमन, टूमस्टोन या चौक स्लैम, जल्दी कमेंट करो भाई। खड़ा हो गया यार, अब टाइम नहीं है, अब जो एक बार गिराना होगा इसको, जल्दी बोलो टूमस्टोन या चौक स्लैम, क्या चीज के लिए ज्यादा है भाई, टूमस्टोन के लिए ज्यादा है, ठीक है अब तो इसको यहाँ पे टूमस्टोन दे ही देता हूँ भाई। रिवर्स मत करियो स्ट्रोमन, ले भाई अब खा, स्टील स्टेप्स पे खा भाई टूमस्टोन, ये ले पिन कर अंडरटेकर। रेफरी मनुज गिनने, वन टू, फाइनली फाइनली बैंड बजाई स्ट्रोमन की भाई। देखो अंडरटेकर बैठ गए घुटने पे भाई, पहले अंडरटेकर को हरा देता कितनी बेइज्जती होती, पहला ही मैच था भाई। ब्रॉन स्ट्रोमन ने हालत पंचर कर दी, पता है इतना किसी ने नहीं तंग किया जितना ब्रॉन स्ट्रोमन ने तंग किया है। लो भाई अंडरटेकर जीत गए, अब अगले अंडरटेकर की तरफ बढ़ते हैं। लो भाई जीत गया, अब अगला अंडरटेकर आएगा। चलो भाई, भाई अंडरटेकर का कंटिन्यू करते हुए स्ट्रीक, चलिए रॉयल रंबल, ठीक है चलिए रॉयल रंबल ही शुरू करते हैं, अंडरटेकर ही से आज खेलूंगा तो इसलिए भाई अंडरटेकर ही लूंगा। देखो इतने इतने सारे भाई अंडरटेकर आज डाउनलोड कर लिए हैं, तो अब चलिए ये अंडरटेकर से तो हो गया, अब दूसरे अंडरटेकर को लेते हैं भाई। कस्टम सुपरस्टार्स में जाओ, आज कुछ ज़्यादा ही प्लेयर डाउनलोड किया है। बैडस, ओह ठीक है, डार्क साइड अंडरटेकर, पहले किसको लूँ, चलो डार्क साइड वाले अंडरटेकर को लेके खेलता हूँ, ये सब जाने दो। डार्क साइड अंडरटेकर, मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, कहाँ भाई अंडरटेकर, अंडरटेकर हाँ ये रहे मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, ये वाले, ये ज़्यादा सही है कि ये, दोनों ही ठीक ही लग रहा है। चलो इसी को लेके खेलते हैं भाई रैंडम, आ जाओ भाई। रॉयल रंबल भी अब मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वाले अंडरटेकर को जिताने की कोशिश करूँगा, रैंडम रखा है, बस शुरू में ना आ जाऊँ यार, मेरा ये रहता है कि 10 तक नहीं आऊँ तो ज़्यादा चांसेस है जीतने के। अरे यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक गलती हो गई भाई, चेंज नहीं ना करूँगा क्या बोलते हैं अपोनेंट्स को, तो आलतू फालतू अपोनेंट लोग आ जाएंगे फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए रुक जाओ भाई, अपोनेंट्स चेंज कर देते हैं। कस्टम पहले अपना तो ले लूँ, कहाँ है भाई मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, भाई आप लोग कमेंट में अपना अपना अपोनेंट बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बोले सही है। चलिए पार्टिसिपेंट्स चेंज कर देता हूँ, देखो कौन कौन आलतू फालतू लोग हैं, जबकि अच्छे अच्छे लोग को मौका मिलना चाहिए भाई। जेफ हार्डी, बटिस्टा ठीक है, लुक हार्पर कोडा, ट्रिपल एच, EC3 भाई, तू हड़िया, शॉन माइकल भाई अंडरटेकर के परम दुश्मन, दो दो मैच किया भाई, रॉक, एंजेलो डॉकिंस हटाओ भाई इनको, एलिस्टर ब्लैक ठीक है, टोनी नीज, इससे अच्छा तो लैशली है। ये पुराने वाले रोमन रिक्स क्यों आ रहे हैं भाई, नया वाला अपने पास से अवेलेबल है, ये एज हो गए रोमन, ये राफिन आ जा भाई, जितने खोखार कैरेक्टर है सबको घुसा दूंगा मैच में, आ जा स्टिंग, टाइलर बी ब्रीज नाम है कि क्या है, रेमस्टेरियो, ये छोटा पैकेट है पर धमाका बड़ा है इसके अंदर। चलो भाई रैंडी ऑटन, अरे रैंडी ऑटन नया वाला था, अच्छा छोड़ो, रोमन रेक्स है ही, शेल्टन बेंजामिन हट जा भाई, तू तेरे से बढ़िया आदमी, देखो ये नया वाला रैंडी ऑटन है, अरे भाई इनको भी जगह दे ही देता हूँ अंडरटेकर के
साथ आते थे, चलो इनको भी जगह दे ही दिया है। शेमस तू आ जा भाई, रिकोशे ठीक है, कितने अंडरटेकर है यार एक मैच के अंदर बताओ। लास्ट में तो सारे अंडरटेकर का मैच होना ही है। मार्क हेनरी आ जा मोटे, और कौन है, ब्रॉक लेसनर नज़र नहीं आ रहे, चलो। अरे मेरा भाई नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, केन को बुला लिया है, केन को न्योता दे दिया है, केन भी आएंगे, वो भी पुराने वाले केन। ओह खली आ जाइए आप भी, हम भर तो भाई तू क्या करेगा मैच में रह के, गोल्डबर्ग को आने दे। मिस्टर मिकमैन चलो ठीक है, स्टोन कोल्ड भी ठीक है, क्रिशन क्रिशन को हटा, ब्रॉक लेसनर भाई जो मेन दुश्मन लोग पहले उन लोग को तो जगह दे दूँ। और कौन है भाई, ड्रू मैकइंटायर चल ठीक है, मेरे WWE चैम्पियन। ब्रॉन स्ट्रोमन चलो अभी तो था ही, खैर किसको जाने दो। और कौन सही लग रहा है, एक जगह और बच गया है, कीथ ली तू आ जा भाई। चलो भाई ये फिक्स हो गया सारे, मैच शुरू करते हैं। चलो भाई रैंडम रखा है, अब देखते हैं कितना कितने नंबर पे आता हूँ। ब्रॉक लेसनर है, ब्रॉक लेसनर है, रैंडी ऑर्टन है, ये सब है, आंद्रे द जाइंट नहीं है, छोड़ो यार जान दो, इतना पुराना आदमी लोग को रख के क्या फ़ायदा, कुछ कुछ पुराने तो डाल ही दिए हैं भाई। खली प्लस रोमन रिक्स भाई, ये लोग दोनों से शुरू हुआ है, सही है, खली और रोमन रिक्स से। और भाई खली के पीछे आप देख सकते हो कि फेल गेम लिखा है, तो भाई मेरे ही किसी व्यूअर और भाई और दोस्त ने बनाया है लगता है फेल गेम, क्योंकि देखो खली के पीछे फेल गेम लिखा हुआ है और मेरा ही लोगो भी बना है। वाह भाई वाह, जिसने ही बनाया कमाल कर दिया। मैंने ओ भाई तीन नंबर पे आ गया यार, कैसे काम चलेगा, तीन नंबर पे भेज दिया भाई, ये गलत बात है यार, इतनी जल्दी क्यों भेजा, कैसे जीतूंगा, रुको भाई यार कैसे जीतूंगा यार, तीन नंबर पे भेज दिया मेरे को, ऐसे थोड़ी होता है यार। रोमन रेक्स बताओ मेरी तरफ आ रहे हैं, बच गए, ले भाई रोमन, चलो भाई खाली आउट कर रोमन को, आउट कर आउट कर, अरे उसको आउट करना भाई, तीन ही नंबर पे भेज दिया, इससे अच्छा एक ही नंबर पे भेज देता, क्या फायदा तीन नंबर पे भेजने का, खाली को भी तो कुछ हो रहा नहीं है भाई। अब ये वाला जीतना बहुत मुश्किल है पता है, एक तो रोमन रेक्स भी पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। रोमन भाई तुझे याद है जीतवाया था रॉयल रंबल, अभी मुझे जीतने दे। अरे खली को आउट कर दिया कीतली ने, अरे भाई कीतली को तो सही लिया था यार, अरे मोटे अभी तेरी तारीफ की ना। चलो रोमन रेक्स गए बाहर, अंधे रिकोशे को जा भाई, रिंग खाली कर दिया, रो भाई रिकोशे तू क्या करेगा, तेरे से बड़े बड़े सुरमा लोग चले गए। अरे भाई ये तो मैंने कहा ना ये छोटा है देखने में पर बहुत मारता है, देखो छोटी छोटे पैरों से इतना मारेगा ना मुझे परेशान कर देगा, अभी देखते रहो आप लोग क्या क्या करेगा तीन पांच मेरे साथ। ये देखो रिवर्स कर दिया फिर इसने भाई मेरे केन, यार ये देख रहे हो क्या क्या कर रहा है, एक घुसा इसको नहीं मारा अभी तक यार, ये डेंजर आदमी है पता है। बॉबी लैशली तू तब से मारे जा रहा है, अंडरटेकर की बेइज्जती करता है, आ जा ये ले पड़ा एक घुस लात तू, बॉबी लैशली निकल तो यहाँ से, अभी देख रहा है रिकोशे से मेरा पंगा चल रहा है, आ जा रिकोशे भाई, देखो इनका सिग्नेचर क्या है, चौक स्लैम है कि क्या है, और चौक स्लैम है खरी कुछ है बताओ, ये हिम्मत इसकी, ये देखो क्या कर रहा है पागल है, खुद को मार रहा है, ले रिकुशे को तो टूमस्टोन बनता है भाई, खड़ा कर तो रिकुशे को, गोल्डबर्ग भी आ गए, बस इन्हीं कमी थी, ये ले भाई बताओ, दिमाग खराब कर रहा था रिकुशे, मार गोल्डबर्ग ने भाई, उठा के फेंक तो गोल्डबर्ग बाहर, रिकोशे को भाई अभी फिलहाल जीतना थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल है,
बच गया ये, सुप्लेक्स दे दिया बॉबी लैश।